मोहतरम अहलियान जैपाबाद, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और हुजूर के गुलाम अपने इश्क व मस्ती के काफिले में रवा दवा है और मौसम भी बड़ा सुहाना हो चुका है और हमें कहा जाता था जैपाबाद में जाएंगे 50 सेंटीग्रेड होगा, कोई बंदा नहीं आएगा। मैंने कहा ओए पागलो, एक रब भी तो हमारा है, एक ही रब है जिससे हम डरते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमें मैदान में कब्र रुसवा होने देगा। एक वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया। हम तो मालकों के दर से भीख लेकर निकले हैं और कहते हैं कि जनाब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आंखें खोल कर देखो, गर्मी हो मैं मौसम जैसा भी हो, मई का महीना हो या जून हो, लबैक वाले मैदान में खड़े हैं। आज तो यौमे तकबीर भी है, आज ही के दिन तो फलस्तीन में पत्थर उठा के लड़ने वाले ने कहा था इसराइली फौज से कि मेरे हाथ में ये पत्थर ना देख, इस्लामाबाद में पड़ा हुआ एटम बम देख। अब उम्मत मुस्लिमा के हाथ में गौरी भी आ चुका है, शाहीन भी आ चुका है, अब्दाली भी आ चुका है, अतफ भी आ चुका है। वो फलस्तीनी बच्चे ने कहा था और आप क्यों परेशान खड़े हैं? आप परेशान हैं? आप परेशान हैं? हाथ उठाकर बताएं जो बिल्कुल दलेरी के साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हमारे बिलावल साहब का है, एक है वो बिलावल, वो अमरीकी गुलाम, एक है मोहम्मद अरबी का गुलाम। कहा है बिलावल? हमारा बिलावल जैपाबाद का अमीर, ये हमारा बिलावल है, वो अमरीका का बिलावल है। और वैसे भी वो तो बेचारे को उर्दू भी बोलने नहीं आती, वो तो जरा बात निकले तो काम पे टांग जाती है, काम पे टांग जाती है ना। लेकिन ये मोहम्मद अरबी के शेर है, गोलियां चले, शैलिंग हो, हथकड़ियां हो, जेलें हो, लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीन की लगन में। शेर का ये ना नून का, ये मोहम्मद अरबी के कानून का है। मंजर देखा है जैपाबाद में? और अब की एक मिनट अब के गुलशन वाले, अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। और एक
बेचारे वो कमजोर लोग होते हैं, कोई 25 में बिका, कोई 26 में बिका, कोई 27 में बिक गया। हमारे उम्मीदवारों के पास करोड़ रुपया भी लेकर आए, उसने कहा तुम देर से आए हो, हमारा बाबा